तो ये कहानी है इब्रानियों की, जो मिस्र में 400 सालों से गुलाम थे। यहाँ पर रहकर ये मिस्र के लोगों के लिए काम क्या करते थे? उनके लिए बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, महल बनाना इनका काम था, ताकि उनके शहर को खूबसूरत बनाया जा सके। लेकिन यहाँ पर इतना काम करने के बावजूद भी इब्रानी गुलामों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। फिल्म की शुरुआत में हमें एक महल दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी, क्योंकि सरहद पार इनके दुश्मन हमला करने के लिए तैयार थे। वहाँ का राजा कहता है कि मैं ये नहीं चाहता हमारे दुश्मन हम पर हमला कर दें, इसलिए हमें वहाँ पर जाना होगा और उनका मुकाबला करना होगा। यहाँ पर महल में जो आने वाले कल को बताया करती थी, वो ओरेकल लड़की बताती है, इस जंग में हमारे एक कमांडर की जान को खतरा होगा और जो उसकी जान को बचाएगा वो इस महल का अगला राजा होगा। यहाँ पर राजा के दो खास आदमी थे, एक तो उसका बेटा और दूसरे का नाम मूसा था, जो राजा की बहन का बेटा था। ये सब अब जंग में चले जाते हैं। एक पल ऐसा आता है कि जब राजा के बेटे की जान को खतरा था, यहाँ पर मूसा ने राजा के बेटे की जान को बचा लिया था। जब ये जंग से वापस महल में आते हैं और राजा को जब ये पता चलता है कि मूसा ने उनके बेटे की जान को बचाया है, तो राजा अब सोचने लगता है, जैसे कि ओरेकल लड़की ने बताया था कि जो जंग में कमांडर की जान को दूसरा कमांडर बचाएगा वो अगला राजा होगा। राजा अब ये बात करने के लिए अपने पास मूसा को बुलाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम आने वाले कल की बातों पर यकीन नहीं करते, और मेरा आने वाला कल मेरे पेशेंट को ये बताती है कि तुम मेरे अगले राजा होगे, पर मैं तुम्हें अपना वारिस कैसे चुनूं? मूसा राजा की बात सुनकर कहता है, शायद आप ठीक कह रहे हैं, और मैं आपके बदले राजा कैसे बन सकता हूँ? इसके बाद अब एक और मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि इब्रानी गुलाम वो बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं और सही से काम भी नहीं कर रहे। अब इस बात का पता करने के लिए राजा अपने बेटे को हुक्म देता है कि जाओ और जाकर पता लगाओ कि आखिर माजरा क्या है। जैसा कि अब ये पेशेंट गोई हुई थी कि अगला राजा मूसा होगा, तो राजा के बेटे के दिल में इस बात को लेकर मूसा के लिए शक पैदा होने लगता है। अब मूसा राजा के बेटे के पास आता है और कहता है कि तुम गुलामों के पास मत जाओ, ये तुम्हारी शान के खिलाफ होगा, आखिर तुम राजा के बेटे हो, मैं इन सब बातों का पता करने जाता हूँ। मूसा जब उन गुलामों के पास जाता है तो वहाँ के हालात बहुत खराब थे। गुलामों को उनके काम के बदले इनाम देने की बजाय मारा पीटा जाता था। मूसा जब वहाँ के वजीर से बात करता है तो वजीर बताता है कि इनके साथ ये सब इसलिए किया जा रहा है, ये गुलाम हमारे खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। मूसा कहता है तुम इन बातों को छोड़ दो, मैं गुलामों से खुद बात करूंगा। मूसा अभी इब्रानी गुलामों के सब बुजुर्गों को एक जगह पर जमा करता है और उनसे बात करता है। उन गुलामों में से एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि हम बस अपने मुल्क वापस कनान जाना चाहते हैं। मूसा ये सुनकर कहता है कि तुम जानते हो वो इलाका कितना खतरनाक है, वहाँ पर कितने खतरनाक कबीले के लोग रहते हैं, अगर तुम वहाँ पर गए तो कभी बचकर वापस नहीं आ पाओगे। मूसा उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि पहले तुम मुझे बताओ तुम कौन हो। मूसा उन्हें बताता है कि मैं महल से आया हूँ, मेरा नाम मूसा है और मैं राजा की बहन का बेटा हूँ। ये सुनकर सबको न जाने क्या हो जाता है, सब लोग बहुत खुश हो गए थे। अब इस बात के बाद वही बूढ़ा आदमी अपने एक आदमी के जरिए मूसा को अपनी बस्ती में बुलाता है। मूसा जब उसके पास जाता है तो बूढ़ा आदमी इसे अब सारी कहानी सुनाता है, कहता है कि जब तुम पैदा हुए तो उस साल एक पेशेंट गोई प्रेडिक्शन की गई थी कि हमारा मसीहा पैदा होगा जो हमें छुड़ाकर यहाँ से ले जाएगा। उस साल जब महल में इस बात का पता चला तो महल के लोगों ने हर इब्रानी बच्चे को मरवाने का हुक्म दिया। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया। उस वक्त महल के राजा की बहन उस नदी में नहाया करती थी, वो तुम्हें अपने साथ लेकर महल में चली गई और अपना बेटा बना लिया, तुम असल में इब्रानी हो। मूसा उस बूढ़े आदमी से कहता है, अच्छी कहानी थी, मैं तुम्हारी इस कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। जब वो बूढ़ा आदमी मूसा को ये कहानी सुना रहा था तो उसे दो और आदमी भी सुन लेते हैं और लालच में आकर महल में जाकर सब कुछ वजीर को बता देते हैं। इसी दौरान राजा की हालत भी बिगड़ने लगी थी, राजा की जल्दी मौत हो जाती है। अब नया राजा उसके बेटे को बना दिया गया था, जो मूसा से नफरत करता था और बहुत ही बेरहम जालिम इंसान था। वजीर आकर सारी सच्चाई राजा के बेटे को बताता है, जो उनका नया राजा था, जिसे सुनकर वो काफी हैरान हुआ था। अब तो वो मूसा से और भी नफरत करने लगता है, इसलिए इस चीज का बहाना बनाकर उसने मूसा को महल से निकाल दिया था।
मूसा यहाँ से जाने से पहले अपनी असल माँ से भी मिलता है जो उसको सारी सच्चाई बताती है। इसके बाद मूसा आगे अपने सफर पर निकल गया था जहाँ पर इंसान का नामो निशान भी नहीं था, थी तो सिर्फ वहाँ पर मौत। जैसे तैसे कर मूसा अभी कबीले के पास पहुँचता है जहाँ पर वो देखता है कि कुछ लड़कियाँ हैं जो कुएं से पानी भर रही थी। तभी वहाँ पर कुछ आदमी बकरियों के झुंड लेकर आते हैं। वो आकर उन लड़कियों को कुएं से हटा देते हैं और खुद अपनी बकरियों को पानी पिलाने लगे थे। ये देखकर मूसा जब वहाँ पर पानी पीने लगता है तो वो आदमी उसे भी मना करते हैं, मगर मूसा के पास एक बहुत बड़ी तलवार थी जिसे देखकर वो सभी डर गए थे और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जब वहाँ की लड़कियाँ ये देखती हैं कि मूसा ने उनकी जान को बचाया था तो वो उसे अपने गाँव में खाने की दावत देती हैं। और इस तरह मूसा अब यहीं पर रहने लगा था। उसे एक लड़की से प्यार भी हो जाता है, बहुत जल्दी उनकी शादी भी हो गई थी। मूसा के यहाँ एक बेटा पैदा होता है। यहाँ पर रहते हुए उसे 9 साल बीत चुके थे। वो अब भेड़ बकरियाँ चराया करता था। एक दिन बहुत तेज तूफान आ जाता है। उसकी बकरियाँ तूफान की वजह से एक पहाड़ पर चढ़ गई थीं, जिसे यहाँ के लोग गॉड खुदा का पहाड़ माना करते थे। जब मूसा अपनी बकरियों को लेने ऊपर चढ़ता है तो बहुत ज्यादा मिट्टी और पत्थर नीचे गिर रहे थे, जिस वजह से वो मिट्टी में ही दब जाता है। उसका सिर्फ मुंह बाहर था। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो देखता है कि एक दरख्त को आग लगी हुई है। तब उसके पास एक बच्चा आता है जो कहता है कि तुम यहाँ पर आकर अपने पुराने लोगों को भूल गए जो तुम्हारा अब तक इंतजार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि एक दिन उनका मसीहा उन्हें आजाद जरूर करवाएगा। वो ये बातें सुनकर बेहोश हो गया था। अब जब उसको दोबारा से होश आता है तो वो अपने घर था जहाँ पर वो अपनी बीवी को उस बच्चे के बारे में बताता है। कहता है कि मुझे लगता है गॉड मुझे इशारा दे रहे हैं कि जाकर मैं अपने लोगों की जान को बचाऊं। मूसा को एक बार फिर ये बातें सुनाई देती हैं, इसलिए अब उसने ये फैसला किया था कि वो दोबारा मिस्र जरूर जाएगा। मिस्र पहुंचकर सबसे पहले ये उसी बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसने इसे सारी सच्चाई बताई थी। वो कहता है तुम्हारे जाने के बाद हमारे साथ और भी बुरा सलूक होने लगा है। अब रात को मूसा चुपके से महल के अस्तबल में जाता है जहाँ पर यहाँ का नया राजा यानी कि राजा का बेटा भी था। मूसा ने पीछे से आकर उसकी गर्दन पर तलवार को रख दिया था। राजा जब देखता है कि ये मूसा है तो वो कहता है तुम्हें जिंदा देखकर खुशी हुई मेरे भाई। मूसा कहता है हाँ तुम तो चाहते थे ना कि मैं मर जाऊं, पर देखो मैं जिंदा हूं। वो कहता है कि मैं यहाँ पर इब्रानी गुलामों का हाल देखकर आया हूँ। तुम उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हो। अगर वो तुम्हारे लिए काम करते हैं तो उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, ना कि मार। इतना कहकर मूसा यहाँ से जाने लगता है। राजा कहता है कि उन लोगों की बातों में मत आओ। मूसा कहता है मैं उन लोगों की बातों में नहीं बल्कि मुझे तो गॉड खुदा की तरफ से इशारा मिला है कि मैं उनकी मदद करूं। इतना कहकर मूसा वहां से चला गया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि महल में एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें राजा कहता है कि मेरे पास मूसा आया था, उसने मेरे गले पर तलवार रखकर उन गुलामों को आजाद करने की बात की है, तो अब उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं, वो जहाँ पर भी नजर आए उसे मार दो। अब जिस भी फैमिली से मूसा के बारे में पूछा जाता कि वो कहाँ पर है, जो मूसा का साथ दे रहे थे वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए राजा के सिपाही उनको जिंदा ही लटका देते हैं। यानी कि ये उन गुलामों के लिए मूसा के बारे में ना बताने की सजा थी। दूसरी तरफ मूसा को दिखाया जाता है जो गुलामों के साथ मिलकर अपनी एक टीम तैयार कर रहा था जिसमें वो उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार चलाना भी सिखाता है ताकि ये सब मिलकर अपनी आजादी के लिए लड़ सकें। बहुत जल्दी मूसा की टीम तैयार हो गई थी। सबसे पहले ये लोग ये प्लान बनाते हैं कि ये मिस्र के रहने वाले लोगों को तंग करेंगे ताकि वो अपने राजा से कहकर इन्हें आजाद करवा दें। वो उनके घरों में भी आग लगा देते हैं, यहाँ तक कि उनकी कश्तियाँ भी जला दी थी। एक दिन मूसा के पास वो ही बच्चा आता है जो उस दिन उसे पहाड़ पर नजर आया था। वो कहता है कि जो जंग तुम लड़ रहे हो इसमें तो सदियां लग जाएंगी, तुम कभी भी नहीं जीत सकते। मूसा उस बच्चे से पूछता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। वो बच्चा कहता है बस देखते जाओ अब क्या होता है। वहीं पर एक आदमी खड़ा मूसा को ही देखे जा रहा था कि वो किससे बात कर रहा है, मगर उसे वो बच्चा नजर नहीं आता। इसका मतलब उस बच्चे की शक्ल में मूसा के पास गॉड आए थे। और अगले ही दिन मिस्र की नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ आ जाते हैं, चीड़ फाड़ कर खा जाते हैं, यहाँ तक कि नदी में एक भी मछली जिंदा नहीं बची थी। कश्तियों में बैठे हुए सभी लोगों को खत्म कर दिया था। पानी के बजाय नदी में खून बहने लगता है जिस वजह से इनकी फसलों को भी पानी मिलना बंद हो गया था और सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। फिर इन पर मेंढकों का हमला होता है। बहुत सारे मेंढक मिस्र में आ गए थे
और जब ये मेंढक मर जाते हैं तो उन पर बहुत सारी मक्खियाँ आ गई थी। वो मक्खियाँ तादाद में इतनी ज्यादा थी कि ये लोग खाना भी नहीं खा सकते थे। फिर इसके बाद गोर की बीमारी फैल गई थी, जिसने ना तो राजा को छोड़ा था और ना ही रानी को। इन सब के बाद भी राजा बाज नहीं आया था। एक दिन मूसा एक घोड़े पर लिखकर राजा के पास भेजता है कि तुम्हें गुलामों को आजाद करना होगा, वरना इसके बाद और भी आफतें तुम पर आ सकती हैं, जो गॉड खुदा की तरफ से हैं। मगर राजा अभी भी मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद तो वो गुलामों पर और भी जुल्म करने लगा। जब गॉड ये देखते हैं तो अब मिस्र में पत्थरों की बारिश होने लगी थी, सब भेड़ बकरियां मर जाती हैं और आखिरी हमला टिड्डियों का था, जिससे वहां की सारी फसलें बर्बाद हो गई थी। राजा भी इन सब आफतों से तंग आ गया था, इसीलिए वो अपने गॉड से दुआ करने जाता है ताकि सारी मुसीबतें हट सकें। तभी उसे महसूस होता है कि उधर मूसा है। वो कहता है, मूसा तुम यहाँ हो ना? जिसके बाद अब राजा को गुस्सा आ गया था। वो कहता है, हाँ पहले मैं समझता था कि ये सब खुदा की तरफ से है, पर मैं समझ चुका हूँ कि ये सब तुम कर रहे हो मूसा। अब तो मैं एक भी गुलाम को आजाद नहीं करने वाला और मैं देखता हूँ जीतता कौन है, मैं या तुम्हारा गॉड। जिसके बाद मूसा दोबारा से उसी पहाड़ पर आता है जहाँ पर उसे गॉड की शक्ल में बच्चा मिलता था। मूसा कहता है कि अभी भी उसने हमारी बात को नहीं माना। वो गॉड यानी कि वो बच्चा कहता है, 400 साल की गुलामी के बाद राजा को सब इब्रानियों को आजाद करना ही होगा, वरना उसे जाकर कह दो कि कल सुबह होते ही मिस्र के सारे बच्चे मर जाएंगे। और हाँ, हमारे लोगों से ये कहना कि वो अपने दरवाजों के आगे एक भेड़ को काट कर उसका खून लगा लें। तभी यहाँ पर जो रात थी वो दिन में बदल जाती है। मूसा राजा के पास आता है और कहता है कि कल रात से पहले पहले तुम्हें सब गुलामों को आजाद करना होगा, वरना यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सब मारे जाएंगे। जब रात होती है तो एक काली परछाई ने पूरे मिस्र को अपनी लपेट में ले लिया था, जिससे कि मिस्र के सभी बच्चे मर गए थे। सुबह को राजा अपने बेटे की लाश को मूसा के पास लाता है और कहता है कि कैसे गॉड हैं तुम्हारे जिन्होंने हमारे बच्चों को मार दिया, जाओ निकल जाओ सब यहाँ से। उसने आखिरकार हार मानकर सभी गुलामों को आजाद कर दिया था। मूसा अपने लोगों को लेकर उनके मुल्क की तरफ रवाना होता है, मगर कुछ देर के बाद महल में जाकर राजा को ये एहसास हुआ था कि उसे उन्हें ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था, इसलिए अब वो अपने साथ 4000 लोगों को लेकर उनका पीछा करता है। हालांकि वो मूसा से अभी 4 दिन पीछे की दूरी पर था, लेकिन उसके पास घोड़े थे, इसीलिए वो उन तक जल्दी पहुंच जाता है। उधर मूसा को भी ये बात पता चल गई थी कि उनके पीछे मिस्र का राजा आ रहा है, इसीलिए वो अपने लोगों को पहाड़ के रास्ते से जाने का कहता है, क्योंकि वो जानता था कि राजा के घोड़े इस रास्ते पर नहीं चल सकते। और होता भी ऐसा ही है, जब राजा के घोड़े उस रास्ते से गुजर रहे थे तो घोड़ों के पांव फिसलने की वजह से वो खाई में गिर जाते हैं। राजा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। आखिरकार राजा मूसा तक पहुंच जाता है। अब मूसा के आगे समंदर था। वो फैसला करता है कि वो समंदर को पार करेंगे, जिसका इशारा इसे गॉड की तरफ से मिला था। ये जब अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ता है तो समंदर का पानी कम होना शुरू हो गया था और बीच में एक रास्ता बन जाता है, जिससे सभी ने समंदर को पार कर लिया था। जब राजा के लोग भी उस रास्ते पर चलने लगते हैं तो पानी फिर से आना शुरू हो गया था। वो समझ गए थे कि अब उनकी जान को खतरा है, सब पीछे की तरफ भागते हैं, मगर समंदर के पानी ने उन्हें जल्द ही अपने अंदर समा लिया था। सब के सब मारे गए थे सिवाय राजा के। राजा अब बिल्कुल अकेला हो चुका था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। मूसा अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ता है। सबसे पहले ये अपने घर जाता है, जिधर उसकी बीवी और बेटा थे। उसे भी अब गॉड पर पूरा यकीन हो चुका था। वो यहाँ से सभी को लेकर कनान उनके मुल्क की तरफ रवाना होता है, जहाँ पर वो आजादी से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है, इस सफर में मूसा के साथ वो बच्चा भी था जो गॉड के रूप में इसके पास आया करता था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।